इसी मूल मंत्र के साथ काम करते हैं। हामिद अंसारी ने बोला, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि अकलियतें डरी हुई हैं, अकलियतें यानी मुसलमान डरा हुआ है। ओवैसी क्या कहते हैं, आप तो सदन में राहुल गांधी को सुनते ही होंगे, कई बार वो काफी कुछ बोलते हैं। आपसे वैसे युवा ही होंगे या फिर आपसे थोड़े बड़े होंगे, ये उम्र का अंदाजा आप लगा लीजिए, लेकिन बातचीत में तो आप समझ सकते हैं कितने कर बड़े हैं। लेकिन क्या 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 आपको लगता है, ये जो आरोप आप पर लगता है कि अखिलेतों को आप डराने की कोशिश करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कुछ लोगों ने बांटो और राज करो इसकी राजनीति की, तुष्टिकरण की राजनीति की, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर वोट बटोरा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता के सामने बात रखना चाहता हूं। 70 साल का खाता निकाल कर देखिए, जिस जाति और जिस धर्म के नाम पर आपसे वोट मांगा था, आपकी गरीबी के नाम पर वोट मांगा था, क्या आपके लिए कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने कुछ किया? लेकिन जब चुनाव आता है और अखिलेश यादव ये कहें कि मैं जीरो टॉलरेंस देखूंगा, अरे तेरी सरकार में तो चौथे दिन दंगा होता, तो जीरो टॉलरेंस कहां गई थी? वो कह रहे इस बार जीरो टॉलरेंस होगी। अतीक अहमद क्राइम की तरफ, अतीक अहमद हो, अंसारी हो, नाहिद हसन हो, यूनुस खान हो, अब्दुल्ला आजम हो, ये वो नाम है या जेल में है या बेल पर है। वो कहते हैं आप तो ठोकने वाली सरकार है। और इनकी कैंडिडेट की लिस्ट पर इन सबके नाम है, ये सब दिखाता है। ये कैंडिडेट की लिस्ट नहीं, चार्जशीट की कॉपी है, जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट की लिस्ट नजर आती है।